जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद एक बार फिर से विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। मंगलवार को राहुल गांधी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में दो रैलियां करने वाले हैं। सबसे पहले राहुल ने रामबन में रैली को संबोधित किया। राहुल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबका यहां स्वागत करता हूं। आपने देखा होगा पूरे देश में बीजेपी आरएसएस के लोग हिंसा डर फैला रहे हैं। लड़ाई दो चीजों की ही है, नफरत और मोहब्बत। हमने नारा दिया है नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान खोलेंगे। नफरत को मोहब्बत से हराया जाता है। पहले मोदी सीना चौड़ा करके आते थे और अब ऐसे आते हैं। अपने संबोधन में राहुल ने ये भी बता दिया कि अगर जम्मू कश्मीर का चुनाव वे जीतते हैं तो उनकी प्राथमिकता क्या होगी। राहुल बोले कि पहली बार हिंदुस्तान के स्टेट के लोगों से उनका हक छीना गया। जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है उसे वापस देना है। आपसे आपका अधिकार छीना जा रहा है। हमने देश को संविधान दिया है, आपके लोगों का धन आपसे छीन कर बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले फिर चुनाव हो, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। अब बीजेपी चाहे ना चाहे, लेकिन हम इतना दबाव डालेंगे कि बीजेपी को स्टेटहुड देना ही होगा। पूरे देश में मोदी जी ने बेरोजगारी फैलाई है। भाई और बहनों, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था। स्टेट को बांटकर दो स्टेट बनाए गए, तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया, पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में, ये काम पहले कभी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। दोनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। कुल 90 विधानसभा सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 32 सीटों पर फाइट करेगी जबकि 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। इसके अलावा 2 सीट सहयोगी दल CPIM और पैंथर्स के लिए छोड़ी गई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का आयोजन कुल 3 फेज में होगा। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। वहीं चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे।